क्या मतलब? मेरा काम अभी हुआ नहीं? लेकिन ये अभी तो पहला दिन है, अभी हमने 7 दिन का रिमांड लिया, अभी तो काम शुरू हुआ। बड़े से बड़ा भी 3रे दिन तक हार मान जाता है। बहाल, आपकी रकम आपने जहाँ की थी मैंने पहुँचा दी। जी जी, मुझे रिपोर्ट मिल गई है, बहुत शुक्रिया। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि परसों जब मैं आऊँ तो आपको शुक्रिया बोलो। मिठाई लेते हैं ना आते वक्त? जरूर। थैंक यू। ऐसे केसेस में पुलिस को रिमांड मिल ही जाता है और वो मुलजम पर तशद्दुद भी करते हैं, ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा होता है। मैंने केस तैयार कर लिया है, 6 रोज बाद अदालत में बहस होगी। इंशाल्लाह हम ये केस जीत जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। इसका मतलब है कि जब तक जुनैद पुलिस वालों के पास रहेगा तब तक? जी हाँ, पुलिस को कौन रोक सकता है डंडा चलाने से? वैसे कुछ देर दलाकर उन्हें रोका भी जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जुनैद साहब ने कहा था कि मेरी फीस दला देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने मुझसे इस मामले में रब्ता नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ अखराजात होते हैं, कोर्ट फीस होती है, जो कि मैंने अपनी जेब से दे दी है। अब इतना पेचीदा केस है तो। आपकी फीस कितनी है? मैंने जुनैद साहब को बता दिया था कि 2 लाख फीस है, लेकिन अगर आप एडवांस में 1 लाख भी दे दें तो मैं समझूंगा कि ये केस मैं ही लड़ रहा हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, आपके फोन का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। बीबी जी, जुनैद साहब ने मुझसे जिक्र किया था वकील की फीस का, पर जी मुश्किल ये है कि जुनैद साहब का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है दफ्तर वालों ने। तो जी मेरे पास 15,000 है जमा, लेकिन बाकी की रकम मुझे कार जाना होगा। पर बीबी जी, वहां जो जेवर पड़े हैं वो बेच देती हूँ, से काम हो जाएगा। लेकिन बीबी जी, वहां तो आपकी जान को खतरा है। मुझे जाना होगा असलम भाई, उसके बगैर कोई और गुजारा ही नहीं है।